नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देख लीजिए नीतीश बाबू आपके सुशासन के राज में कैसे व्यवसायी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। किस तरह से आपके सुशासन में मंडियों के दुकानों के जो ताले हैं वो लग गए हैं, सब हर दुकान में ताले लगे हुए हैं। अगर यही सुशासन की व्यवस्था को जो जिसमें जो अपराधी जो है दिन हो या रात हो उसमें लोगों की हत्याएं कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, लूट हो जाती है, ज्वेलरी शॉप की दुकान को लूट लेते हैं, और फिर आपकी पुलिस जो है सुशासन की पुलिस जो है मुंह देखते रह जाती है, यानी अपराधी जो है दिन रात पुलिस को चुनौती देते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके सुशासन को भी चुनौती देते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, हम इस समय है पटना सिटी के मारूगंज मंडी में, जहाँ पर कल जो है सोनू नाम के व्यवसाय जो थे दाल व्यवसाय, उनको अपराधियों ने टारगेट करते हुए करीब 15 लाख रुपए की लूट कर ली। और लूट का जब विरोध उन व्यवसाय ने जो सोनू ने व्यवसाय जो थे वो विरोध किए अपराधियों के, तो उन्हें गोली मार दी, जिसके वजह से वो घायल हो गए और अस्पताल में अभी इलाजरत हैं। आप देख सकते हैं मारूगंज मंडी को व्यवसायियों ने बंद कर रखा है, मंसूरगंज मंडी बंद है और लोगों में आक्रोश है और खास करके व्यवसाय जो हैं वो आक्रोशित हैं। इस समय हम हैं मारूगंज मंडी में और जो यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह बंदी किस कारण से। जी आप बताइए। हेलो जी, आप बताइए कि बंदी का कारण क्या है, किस तरह से आप लोग आक्रोश जता रहे हैं। देखिए, आज हमारे समाज के कल कुछ दुर्घटना हुई थी, एक लोगों का पैसा छीना गया था, उनके भतीजा हैं, उसी के लिए लोगों में रोष है भाई। जिनका समान जिसके बाद जानलेवा हमला भी हुआ था उसके लिए पब्लिक में काफ़ी रोष है, इसलिए लोगों ने आज सांकेतिक बंद किया है, उसका रास्ता निकालने के लिए बनाया गया है। आज ही सरकार की सुनिए, आज ही उसका रास्ता निकाला जाएगा। प्रशासन प्रशासन बिल्कुल सख्ती से ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ले लीजिए, सबको सब बात, पूरा समाज एक है, कोई समाज में किसी से नहीं, उसके परिवार के चाचा जी आप सत्ता पक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में नेता हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है व्यवसायियों की सुरक्षा देना, लेकिन सुशासन के राज में व्यवसाय डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसा कुछ नहीं है, सुशासन में कैसे जी रहे हैं ये तो लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके पिछले 15 साल की सरकार, आज की 15 साल जो हमारे सरकार में क्या किया है उसके लिए कुछ तो समस्याएं जरूर है, जिसका निदान आज ही निकलेगा, इसके लिए मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लोग सब लगे हुए, DGP साहब से भी हमारी बात हो गई है और सबसे बात करें प्रशासन आके सारा चीज़ का व्यवस्था करेगा और आज के बाद से जो भी समस्या है लिखित रूप से मिलेगी उसके समाधान मिलेगा। यहाँ पर एक व्यवसाय भी हैं जो कि इस मंडी में अपना दुकान चलाते हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनका क्या कहना है इस विषय पर वो हम जानते हैं। जी आप बताइए कि आप व्यवसाय हैं। इसमें मायने सत्ता दल नहीं रखता है कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में, ये व्यवसायों का मैटर है और प्रशासन को चाहिए कि हम लोग को प्रोटेक्शन दे। और शुरू से मारूगंज मंडी में और मंसूरगंज मंडी में चौकी बना हुआ था, जहाँ आज फोर्स नहीं है। हम लोग का शांतिपूर्ण धरना इसीलिए है कि हम लोग चाहते हैं कि दोनों चौकी में जो फोर्स था वो दिया जाए नियमित रूप से प्रतिदिन, ये नहीं कि आज हम लोगों के साथ ऐसा हुआ तो आज हम लोगों को कॉपरेट करने के लिए फोर्स दिया जाए और फिर कल के डेट में हटा दिया जाए रेगुलर, क्योंकि मंडी ऐसा नहीं कि लूटपाट करने से बंद होगा, मगर इस पर प्रशासन को हमारा सहायता करना होगा और इसी मदद के लिए हम लोगों ने इस रास्ते पर दुकानें भी संपूर्ण संपूर्ण मंडी बंद है कल के घटनाक्रम के जी। अगर ऐसा मारूगंज में दिन प्रतिदिन डेली हो रहा है एक तरह से मानिए तो, जिस दिन से लॉकडाउन लगा व्यवसायी खुल के व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, ना बाहर से व्यापारी कैश लेके आने के लिए तैयार है। वो जो पुलिस पिकेट थी पहले जो उसे हटा लिया गया जी, काम साहब जी, तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे कि जो बिजनेसमैन है जो यहाँ मंडियों में जो दुकान चलाते हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि जो यहाँ पुलिस पिकेट थी जो मारूगंज मंडी में जो लगाया हो गया था उन ड्यूटी उन सभी को हटा लिया गया था, जिसके कारण जो है यह बड़ी घटना कल जो है वो घटी थी। आप स्वयं तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बांस बल्ले से जो है बैरिकेडिंग कर करके रास्ता को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, लेकिन मौके पर जो है पुलिस यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस ने मोर्चा भी संभाल रखा है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से नीतीश बाबू के जितने भी सुशासन के जो नेता हैं हर मंच से यह कहते थकते नहीं हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, अगर इस तरह से बिहार में सुशासन का
राज अगर चलता है तो हमें शर्म आती है इस तरह से, इस तरह की व्यवस्था को जिसमें बिहार के जितने भी नेता हैं सत्ता पक्ष के, वो कहते फिरते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन के साथ न्याय है। हमें बिल्कुल शर्म आती है कहने में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से कल जो घटना हुई थी उस घटना के कारण आज मंसूरगंज और मारूगंज की जो मंडी की जो दुकानें हैं उसे जो है बंद कर दिया व्यवसायियों ने और सभी रास्ता को जाम करके रख दिया है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।